नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी लेक्चर बाय लक्ष्मी नारायण में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे, पिछले वीडियो में आकाशगंगा क्या है और कैसे इसकी संरचना है। आज हम देखेंगे सूर्य की आंतरिक संरचना। जैसा कि आकाशगंगा में बताया गया था, आप लोग जानते हैं कि हमारा सूर्य आकाशगंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर लगभग आकाशगंगा के मध्य में स्थित है। सूर्य एक चक्कर आकाशगंगा का 250 करोड़ वर्षों में लगाता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। इतना जानते हैं। सौरमंडल का जनक, केंद्र व ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है। हमारा सूर्य आकाशगंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से तीन लाख 32,000 गुना अधिक है। हमारी पृथ्वी से बहुत बड़ा सूर्य है। कुछ अनुमान के लिए बताया दे रहे हैं कि सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000 गुना बड़ा है या अधिक है। तो कितना विशाल होगा? सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर बड़ा है। इतना विशाल है हमारा सूर्य, जिसका व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। हमारे सूर्य में 71% हाइड्रोजन व 26.5% हीलियम पाई जाती है। सूर्य की आयु, कुल आयु तो इसकी 10 अरब वर्ष है, लेकिन इसकी वर्तमान आयु जितनी बची है और जितनी हो गई है, अर्थात हमारा सूर्य की जो वर्तमान आयु है 4.7 अरब वर्ष है और शेष बची हुई आयु अभी बची है। हमारा सूर्य गति करता है, जो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आकाशगंगा के चारों ओर घूमता है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि हमारे सूर्य की गति कितनी है। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है। हमारा सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर गति करता है। इतना जानते रहिए कि हमारा सूर्य भी गति करता है और वह पूरब से पश्चिम की ओर गति करता है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर करती है, लेकिन यह पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। फिलहाल बहुत कुछ ना बताते हुए आज हम देखेंगे सूर्य की आंतरिक संरचना। अभी बताया गया कि सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं मुख्य रूप से, और अन्य गैसें बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो इसको हम देखते हैं इसकी आंतरिक और बाह्य संरचना किस तरह है। सूर्य की संरचना को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहली है आंतरिक संरचना और दूसरी है बाह्य संरचना। सूर्य के अंदर वाले हिस्से को, जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और उसके जो वायुमंडल है उसको बाह्य संरचना कहते हैं। पृथ्वी की जो ये आंतरिक संरचना है उसका अंदरूनी हिस्सा है, और सूर्य की आंतरिक संरचना आंतरिक हिस्सा है, और उसके बाहर वाला जो वायुमंडल का हिस्सा है उसे बाह्य संरचना के अंतर्गत रखा गया है। अब देखते हैं आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना को अगर इसको हम ऐसे सूर्य रख दिया जाएगा तो दिखाई नहीं देगा कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। इसके लिए हमने क्या किया कि इसको ऐसे बनाया कि इसका मान लीजिए कुछ हिस्सा काट के निकाल दिया गया और आंतरिक भाग किस तरह दिखाई देगा उस तरह का मैंने बना दिया है। इसके कुछ हिस्से को काट दिया गया है, इसका आपको केंद्र दिख रहा है, इसमें कौन कौन सी परतें हैं ये पूरा स्पष्ट दिखने लगा है। अब क्या है, आंतरिक भाग में तीन परतें पाई जाती हैं। प्रथम परत, दूसरी और तीसरी। पहली परत को कोर या क्रोड कहते हैं। पहली परत जो है वो सबसे आंतरिक भाग में है,
जिसे कोर या क्रोड कहते हैं। यहाँ पर अत्यधिक तापमान होता है, बहुत ज्यादा तापमान होता है। इसका तापमान होता है 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं, तापमान अधिक तापमान के कारण परमाणुओं का विखंडन इलेक्ट्रॉनों और नाभिकों में हो जाता है। एक परमाणु का विखंडन एक इलेक्ट्रॉन और एक नाभिक में हो जाता है। तापमान के कारण यहाँ विखंडन होता है। प्रथम परत को हम दो भागों में बांट सकते हैं। आंतरिक भाग है जिसका तापमान कितना है, 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। ये अंतरतम बिल्कुल अंतर का भाग है। यहाँ पर परमाणुओं का विखंडन होता है इलेक्ट्रॉनिक और नाभिकों में। इस पूरे एरिया को जो आंतरिक भाग है इसे प्लाज्मा कहते हैं। कोर का आंतरिक भाग प्लाज्मा कहलाता है। यहाँ सबसे ज्यादा तापमान होता है 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। कोर को भी दो भागों में बांटे हैं, तो आंतरिक भाग में प्लाज्मा कहा गया और इसके बाह्य भाग को बाह्य कोर कहा गया। आंतरिक कोर और बाह्य कोर। बाह्य कोर में थोड़ा टेम्परेचर कम होता है। इसका टेम्परेचर होता है 1×10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। यहाँ 1.5 है और यहाँ पे केवल एक है, अंतर इतना है, 1×10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। इतने टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो ये नाभिक होते हैं इन नाभिकों का संलयन होता है। यहाँ पर बाह्य कोर में नाभिकों का संलयन होता है। यहाँ पर चार नाभिक मिल करके हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं। विखंडन के समय तो टेम्परेचर कम होता है किसी भी चीज में, लेकिन अगर संलयन होता है तो उसमें टेम्परेचर निकलता है, तापमान निकलता है, तापमान ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, नाभिकों का संलयन होता है। चार नाभिक मिल करके हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं और यहीं से ऊर्जा, अपार ऊर्जा निकलती है बाह्य कोर से। आंतरिक कोर एवं बाह्य कोर दोनों ही ऊर्जा के अपार स्रोत होते हैं। यहीं से सारी ऊर्जा बाहर की ओर निकलती रहती है, आंतरिक कोर और बाह्य कोर। ये तो पहली परत हो गई। अब दूसरी परत गैसों की सघन मेखला होती है जिसे विकिरण मेखला कहा जाता है। पहली परत है कोर, दूसरी परत को विकिरण मेखला कहते हैं। यहाँ पर गैसों की अत्यधिक सघनता होती है। यहाँ पर बहुत अधिक सघन गैसें पाई जाती हैं। इन गैसों के रास्ते से ऊर्जा फोटॉन के रूप में, गामा के रूप में एवं एक्स किरणों के रूप में निकलती रहती है। इस सघन गैसों की मेखला से एक्स किरणें, गामा किरणें और फोटॉन किरणें ऊर्जा को बाहर निकालती रहती हैं। यहाँ पर कोई काम नहीं होता, इतनी सघनता है। यहाँ पर एक्स किरण, गामा किरण और फोटॉन किरणें ऊर्जा को बाहर निकालती रहती हैं। इसका अत्यधिक विशाल क्षेत्र है, इसका भी बहुत ज़्यादा है, इसका जो क्षेत्र है, इसकी जो परत है, दूसरी परत है, इसकी चौड़ाई 3.8 लाख किलोमीटर है। इस परत की चौड़ाई 3.8 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसमें और कुछ नहीं होता, केवल गैसें इसे बाहर निकलती रहती हैं। तीसरी परत होती है जिसे संवहन मेखला कहते हैं। इस परत में कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक प्रकार का रक्षा आवरण होता है, जैसे हमारे शरीर में भी ये कोशिकाएं होती हैं, हमारा चमड़ी खाल कोशिकाओं की बनी होती है। इसी तरह सूर्य में भी कोशिकाएं पाई जाती हैं। आंतरिक भागों में छोटी छोटी कोशिकाएं, देखिए मैंने छोटा छोटा बनाया है, और ज्यो ज्यो बाहर की ओर जाते रहते हैं कोशिकाओं की वृद्धि होती रहती है या इसका आकार बढ़ता रहता है। यहाँ बड़ी बड़ी कोशिकाएं पाई जाती हैं।
समान मेखला में आंतरिक भाग में छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ज्यो ज्यो हम बाहर की ओर निकलते रहते हैं कोशिकाओं कोशिकाएं बड़ी होती जाती हैं। इसकी मोटाई 1.39 लाख किलोमीटर प्रतिसेकंड है। इसे इसकी मोटाई 1.39 लाख किलोमीटर है। लगभग समझ लीजिए कि ये 1.5 लाख किलोमीटर चौड़ी परत है संवहन मेखला। इसमें भी ऊर्जा इन कोशिकाओं के रास्ते से निकलती है। ये कोशिकाएं हैं, एक कोशिका दूसरे से टच होती है, दूसरी तीसरे से चौथी से एक दूसरे पर रखी हुई हैं। मैंने थोड़ा दूर दूर बना दिया जरूर, इसको ऐसे ऐसे बनाना चाहिए था। फिर आगे कोशिकाएं एक दूसरे से टच होती हैं और कोशिकाओं के माध्यम से ऊर्जा निकलती रहती है। ये कोशिकाएं ऊर्जा को बाहर निकालती रहती हैं। यहाँ पे किरणें निकलती थी, यहाँ कोशिकाएं निकलती हैं। ये तीन मुख परतें हुई। पहली परत में क्रोड होता है, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है। आंतरिक क्रोड में परमाणुओं का विखंडन होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। बाह्य कोर में नाभिक के संलयन क्रिया होती है, चार नाभिक मिलकर के हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं और अपार ऊर्जा निकलती रहती है। और दूसरी परत यह है विकिरण मेखला, ये सघन देशों की मेखला होती है। इसमें यक्ष किरणें, फोटॉन किरणें और गामा किरणें ऊर्जा को बाहर निकालती रहती है। तीसरी परत कोशिकाओं की है, कोशिकाएं भी ऊर्जा को बाहर निकालती रहती हैं। ये आंतरिक संरचना हुई। अब हम देखते हैं बाह्य संरचना, आखिर इसके बाहरी भाग में क्या होता है। बाह्य संरचना में हम देख सकते हैं कि ये तो आंतरिक भाग था, ये वाला भाग यहाँ पर था, इसको इधर हम ध्यान नहीं देंगे, ये इसका आंतरिक भाग था। अब बाह्य भाग, बाह्य भाग में तीन परतें पाई जाती हैं, एक परत, दो परत और तीन परत। जो पहली परत है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रथम परत को प्रकाश मंडल कहते हैं। ये भी सघन गैसों की मेखला होती है, सूर्य की सतह पर पाई जाती है और सूर्य की बिल्कुल सतह पर जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सघन गैसों की मेखला होती है, इसमें भी टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी औसत मोटाई 500 किलोमीटर मानी गई कि ये प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर जो है 500 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ पर किरणें निकलती रहती हैं, तो जगह जगह पर गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के कारण प्रकाश की कुछ रंग की प्रकाश की किरणों को गुरुत्वाकर्षण के कारण अवशोषित कर लिया जाता है। कुछ रंग की प्रकाश किरणें अवशोषित हो जाती हैं, तो जहाँ पर अवशोषित कर लिया जाता है वो दिखाई नहीं देता है और काली काली रेखाएं बन जाती हैं। जगह जगह काली काली रेखाएं बन जाती हैं। इन काली रेखाओं को फ्रॉनहोफर रेखा कहते हैं। और कहीं कहीं पर प्रकाश को एक विशेष रंग की किरणें निकलती रहती हैं, तो वहां पर प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है, तो वहां पर एक कम टेम्परेचर हो जाता है। इस सतह पर जहां जहां भी कम टेम्परेचर हो जाता है वहां काले रंग के धब्बे बन जाते हैं जिन्हें सौर कलंक कहते हैं। उन काले रंग के धब्बों को सौर कलंक कहा जाता है। आंतरिक भाग में कालापन अधिक होता है और बाह्य भाग में कम होता है। आंतरिक भाग को आम्ब्रा के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर टेम्परेचर कलर काला होता है उसे आम्ब्रा कहते हैं, और बाह्य भाग जहाँ पर कम काली होती है, कालापन होता है, ब्लैकनेस होती है, उसे पेनब्रा कहते हैं। ये कालापन किसी एक दिन में या दो दिन में नहीं होता, इसके बनने और बिगड़ने में काफी समय लगता है। ये सौर कलंक कहलाता है। काला वाला क्षेत्र इसके बनने में 11 वर्ष लगते हैं, अर्थात धीरे धीरे कालापन बढ़ता जाएगा, आकार बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा 11 वर्षों तक ये निरंतर बढ़ता रहेगा।
फिर उसके बाद इसका कालापन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, इसका आकार भी धीरे धीरे कम होता जाएगा कम होता जाएगा, और उसी क्रम में कम होगा, तो 11 वर्ष तक कम होता रहता है। तो ये कुल मिलाकर के 12 वर्षों तक बना रहे 22 वर्षों तक बना रहता है, 11 वर्ष तक बढ़ेगा और 11 वर्ष तक कम होगा और अंततः ये समाप्त हो जाता है। दूसरी परत है वर्णमंडल। यहां पर गैसें इससे कुछ ज्यादा पाई जाती है, यहां भी सघन गैसें पाई जाती हैं, इस क्षेत्र से ज्यादा सघन गैसें पाई जाती हैं। नहीं इसमें गलत हो गया कि यहां पर सघन गैसें होती हैं, यहां पर कम सघन गैसें होती हैं, लेकिन यहां पर जो होता है तापमान ज्यादा होता है, यहां पर तापमान ज्यादा होता है यहाँ की अपेक्षा। इसका जो व्यास है, इसका व्यास क्या कहें, इसकी मोटाई जो है इस परत की 3000 किलोमीटर है, ये केवल 500 किलोमीटर थी, ये 3000 किलोमीटर मोटी परत है। यहाँ पर प्रकाशमंडल की अपेक्षा गैसों का घनत्व कम होता है, यहाँ पर कुछ कम होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ पर इससे ज्यादा टेम्परेचर होता है, यहाँ 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ लगभग 20000 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच जाता है, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है। यही इसी मंडल से, इसी वर्णमंडल से कभी कभी तीव्र घनत्व का तीव्रता से तीव्र घनत्व का प्रकाश पुंज या पदार्थ फेंके जाते हैं, जो बहुत ऊंचाई तक कभी कभी देखे जाते हैं, दोनों ध्रुवों की ओर फेंके जाते हैं। तो इन फेंके गए पदार्थ 800 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंके जाते हैं और अपार ऊर्जा और प्रकाश निकलता है, टेम्परेचर निकलता रहता है। इस निकलते वजह से मालूम पड़ता है कि पृथ्वी पर या सूर्य में कोई ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा हो। इस ज्वालामुखी विस्फोट के समान निकलने वाले पदार्थों को, तापमान को कोरोना होल कहते हैं, कोरोना होल कहते हैं। पता चल रहा है कि कोरोना के परत से निकल रहा है, इसमें होल करके निकल रहा है, इसलिए इसे कोरोना होल कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसे अरोरा बोरियालिस कहते हैं, इस ज्वालामुखी जैसे पदार्थ को निकलने वाले को उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरियालिस कहा जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में इसे अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। दोनों को लाभ निकलता रहता है। जब कभी पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है तो सूर्य का प्रकाश इन्हीं क्षेत्रों से दिखाई देता है, बाकी और क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश नजर नहीं आता है। तो इस पूरे प्रकाशित भाग को कोरोना कहते हैं। कोरोना के समय इधर से और ये सूर्यग्रहण के समय दोनों ध्रुवों से, इसे अरोरा बोरियालिस कहते हैं, इसे अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं, और कुछ आभा दिखाई देती है जो कि यह आग की लपटों की भांति दिखाई देती है, वैसे होती भी है। इन्हें इसे कोरोना कहते हैं। इसकी बाय परत की तीसरी परत है कोरोना, यहाँ पर आग की निकलती रहती है, और इसका जो चौड़ाई है कई मिलियन किलोमीटर तक नजर आता है, कई मिलियन किलोमीटर तक इसकी आग की लपटें निकलती रहती हैं, लाल लाल पूरा क्षेत्र दिखाई देता रहता है, इसे कोरोना कहते हैं। जो लपटें निकलती रहती हैं आग की, इन लपटों को प्रामिनेंस कहते हैं, प्रामिनेंस कहा जाता है। ये प्रामिनेंस पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय हमारी पृथ्वी को ऊर्जा देता है, या पूर्ण ग्रहण के समय, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय प्रामिनेंस से ही हमें प्रकाश प्राप्त होता है। इस तरह से ये तीन परतें हुई, प्रकाशमंडल इसका 500 किलोमीटर चौड़ाई है, यहाँ 6000 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान, यहाँ पर काली काली रेखाएं होती हैं जिसे खानापा रेखा कहते हैं, कहीं कहीं सौर कलंक बन जाते हैं जो 22 वर्षों तक होते हैं। दूसरी परत है वर्णमंडल,
ये 3000 किलोमीटर होता है, ये सघन गैसों की मेघल होती है ये भी, लेकिन यहाँ पर इसके अपेक्षा कम सघन होती है, यहाँ टेम्परेचर इससे ज्यादा होता है। यहाँ पर सबसे विशेषता ये है कि कोरोना होल पाए जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस कहा जाता है, और सबसे बाएं परत कोरोना परत कहलाती है। ये कई किलोमीटर तक आपकी लपटें निकलती रहती हैं, यहाँ पर भी गैसों की हवाएं चलती रहती हैं, इन हवाओं को सौर पवन कहा जाता है। यहाँ पर गैसें इधर उधर उड़ती रहती हैं, लपटों के साथ चलती रहती हैं, उन चलती हुई हवाओं को सौर पवन कहते हैं। फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।